अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और खैरी आफियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बम्बाट होंगे। वहाब कामरान व्लॉग्स की नकल कर रहा हूं मैं आज, तो ये मैंने खुद ही बता दिया। तो यार हम पहुंच चुके हैं सेटअप पर, रजादार भाई भी आ चुके हैं और आज अरूज थोड़ी सैड रहेगी क्योंकि एक छोटा सा मसला हो गया है, वो मैं बताता हूँ। पहले मैं इनको खोल बोल देता हूँ, इनको दाना पानी रख देते हैं, फिर एक बैड न्यूज़ है यार हमारा। खैर मैं ये अभी नहीं बताऊँगा, थोड़ी देर तक बताता हूँ आपको। तो अभी इनको खोल देते हैं, ये तो फुल टाइट बना हुआ है। चलो रजादार भाई खोल देने से। यार ये पेटी जो खच मार रही है ना, कसम है कोई जुगाड़ करना पड़ेगा इसका। तो अभी देखिएगा दोस्तों कैसे भाग के आएंगे। सारा पानी दाना अपना ज़ाया कर देते हैं ये और फिर ऐसे भूखे प्यासे रह जाते हैं, सारी मिट्टी डाल देते हैं उसमें। ये चिक्स जो है ना, ये बस खच मार रहे हैं, इनको भी अलग करना पड़ेगा यार, इनको भी अलग करते हैं। ये देखें हमेशा ये होता है दोस्तों, दाने वाले तासले में मिट्टी, पानी पीने वाले पानी में मिट्टी। और दोस्तों कॉकटेल को एक नज़र देख लेते हैं, हमारे कॉकटेल कैसे हैं। तो दो हमारे कॉकटेल ऊपर बैठे हुए हैं, एक कॉकटेल दाना खा रहा है। तो माशाल्लाह से अब ये बड़े हो रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल अब इनको कुछ हो तो धीरे धीरे चुस्त भी हो जाएंगे दोस्तों इंशाल्लाह। ये तो यार हमारा डेली का है, साफ़ करना पड़ता है इसे, तो वीडियो तो बनानी पड़ेगी फिर इसकी भी। मट्टी निकाल ही देते हैं यार दोस्तों, अजाब है बना हुआ हमारे लिए। तो रूज इधर आओ, जल्दी आओ। बिस्मिल्लाह, ये लकी कबूतर उड़ने पड़ेंगे। तो अपनी बैड न्यूज़ तुम अपने मुंह से ही बता दो। मेरा चूजा आज मरा हुआ निकला है। ओए दोस्तों हमारा बेबी कौन क्या कर रहा है? दरवाजा खटका रहा है। खटका रहा है, मैं आपको बुलाऊंगा थोड़ी देर तक, अभी साफ सफाई कर लें फिर आना, सही है? तो यार बच्चे बड़े यार शरारती होते हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि हमें भी देखने दो, लेकिन अभी साफ़ सफाई हो रही है तो जब माहौल बन जाएगा तो फिर बुलाएंगे इन्हें। तो यार आज हमारा जो मिनी चिक था, जो मैंने कल की वीडियो में दिखाया भी था कि सबसे छोटा चिक है हमारा। रूज आपने देखा कैसे, कब देखा कि मरा हुआ था? अभी शेर भाई ने देखा है। इन लोगों ने तो आज खोला भी नहीं ना इन्हें, वरना पानी रखा हुआ था जब ये खोलते हैं तो। दोस्तों वहाँ पर मड़ा पड़ा है, तो दोस्तों वहाँ पर मड़ा तो दोस्तों वहाँ पड़ा है तो दोस्तों वहाँ पर मरा पड़ा है हमारा बेबी फार्मी चिक। तो यार पता नहीं कैसे हो जाता है यार, ये एक दिन गुड न्यूज़ तो दूसरे दिन बैड न्यूज़ यही चल रहा है हमारे सेटअप के ऊपर। तो अभी मैं निकाल देता हूँ उसे, ये देखें। यार मुझे बड़ा डर लगता है जब किसी मरी हुई चीज़ को उठाता हूँ ना मैं। तो ये देखें दोस्तों, बेबी चिक इज़ नो मोर हमारे सेटअप पर, अभी ये बेबी चिक नहीं रहा। तो इनको तो पता नहीं क्या मस्ती चढ़ी रहती है, हमेशा सुकून से बात नहीं करने देते। ये दोस्तों किसी बीमारी की वजह से मरा है, वरना इसको कुछ ऐसी चोट वोट तो नहीं है कहीं पर भी। कल से बीमार था, मैंने दिखाया था आपको वीडियो में कि यार हमारा बेबी चिक बीमार था। खैर पेनाडॉल भी खिलाई थी इसे, लेकिन फिर भी ये मर गया। तो दैट्स इट, इसका सफ़र यहीं तक था दोस्तों हमारे सेटअप पर। और एक चिक और कम हो गया हमारा, एक ब्लू बफ गया। ये देखो लक्की तो भाई जान आदि हो रहे हैं हमारे सेटअप के ऊपर, खुद ही जाके वहाँ पर बैठ गए जहाँ पर हमें पकड़ के बिठा देते। तो अभी यार इसको दफना देते हैं हम अपने बेबी चिक को। तो खैर टेंशन वाली बात है दोस्तों, परेशानी हो रही है, वो बेचारी अरूज देखें टेंशन में बाहर ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, और ले आएंगे तुम्हारे लिए अरूज। तो यार बेबी चिक को मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ दफना दिया है, तो बाद में इसको उठा के कहीं और दफना देंगे, फ़िलहाल तो मैंने इसको यहीं दफना दिया। तो बाकी रजादार ने पानी रख दिया हमारे पिजन्स को और चिक्स को, प्यासे होंगे यार, ये सारी रात ऐसे गुजार देते हैं। असल में मिट्टी डाल देते हैं यार, टेंशन ही होती है, मिट्टी डालते हैं तो सारी मिट्टी इनमें भर जाती है, तो फिर पानी सूख जाता है, मिट्टी जज्ब कर लेती है। तो अब ये मिट्टी निकालते हैं आज जितना हो सके, काफ़ी हद तक निकाल लेंगे, फिर इंशाल्लाह फिर कल अगली और निकाल लेंगे, क्योंकि काफ़ी मिट्टियाँ निकालते निकालते ही हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से मैंने सारी मिट्टी हटा दी है, मैं क्या सोच रहा था
तो अब हमने दाने पानी की वजह से मिट्टी हटा रहे थे, तो अब यहाँ पर हम दाना पानी रख दिया करेंगे, बाकी वो वाली मिट्टी निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं कि यार सारे निकाल दें या जो भी हो सके। तो मुझे लग रहा है जो मैंने यहाँ से सारी साइड से निकाल दिया, यहाँ पर दाना पानी रख दिया करेंगे तो टेंशन वाली बात नहीं होगी। बाकी देखते हैं, अगर कोई फिर भी अगर इन्होंने पंजे मार के पानी में डाला मिट्टी तो फिर सारी मिट्टी निकाल देंगे। तो यार अभी इनको दाना डाल देते हैं अपने चिक्स को। तो ये देखें, लड़ लड़ के खा रहे हैं, यहाँ पर पड़ा होगा तो खेल खेल के खाते रहेंगे इसको। सबसे छोटा ही लाए थे तुम, छोटे चिक या फार्मी चिक मर जाते हैं अक्सर। हम ये जो फार्मी लाए थे, पता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह यार ये कैसे सरवाइव कर गए इतना, और माशाल्लाह सबसे बड़े हमारे फार्मी चिक ही हैं, ब्लैक पैंथर जितना हो गए हैं, और ब्लैक पैंथर हमारा वहीं पे ही खड़ा हुआ है। पता नहीं ये क्या सीन है, ब्लैक पैंथर जितना लाए थे उतना है, फार्मी चिक बड़े हो गए, तो ये समझ नहीं आ रहा माजरा। तो यार हमारे ये जो हमसाए हैं ना, इनके पास भी पिजन्स होते थे, तो आज उन्होंने दोस्तों हमें एक गिफ्ट भेजा है, समझ लें गिफ्ट ही है। तो वो गिफ्ट दोस्तों इस बॉक्स में है। उन्होंने बोला कि भाई हमारे जो पिजन्स हैं वो तो अब नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास पिजन्स का दाना है तो वो आप रख लें। तो चेक करते हैं कि इसमें कौन सा दाना दिया है जी इन्होंने। कटो इसको, हमसाए हो तो ऐसे हो। प्रैंक हो। शॉपर में एक और शॉपर दोस्तों, मिस्ट्री बॉक्स। पक्की बात है, चावल है और उसके साथ एक का सिक्का। ये हमारे इंडियन सब्सक्राइबर देख लें, पाकिस्तानी एक रुपया, करीब से दिखा उन्होंने। इसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है, बैक साइड है। ये मेरे ख्याल से बादशाही मॉस्क है जो कि लाहौर में है, और ये कायदे आजम का स्टैचू। इसमें है जी, इसमें भी चावल हैं जी, इसमें ये चावल और वो दाल है, वो मसूर की होती है, पता नहीं ये मूंग वाली दाल होती है। वो गलत शॉपर तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं, ये दाना खाते होंगे ना ये, वरना दाल और चावल का क्या मिक्सअप। कुतुबुद्दीन इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ कुतुबुद्दीन, भाग के आओ। तो यार अभी चेक करते हैं कि हमारे ये पिजन्स खाते हैं। वो मर गया, मर गया वो भाई साहब। मिरेकल मिरेकल। रूज इधर आओ, इधर आओ, ये देखो चेक करो कैसे खा रहे हैं ये चावल। तो यार हमारे चिक्स ने तो नहीं खाया, बचा दिया है, तो अब ये पिजन्स को रखते हैं और देखते हैं कि ये खाते हैं या नहीं खाते। मुश्किल टास्क है, मैं यहाँ से साइड हो जाता हूँ थोड़ी देर। अब ये चेक करते हैं जी, ये खाते हैं नहीं खाते। उन्होंने तो यही बोल के दिया है कि ये जो पिजन्स का दाना है। तो यार अभी तो नहीं खा रही है, मैं वेट करता हूँ, देखते हैं अगर ये खाते हैं तो यार बहुत अच्छी बात है। तेल का दाना भी चेंज कर देते हैं दोस्तों। हाँ डालो, सूरजमुखी के फूल ज़्यादा डालो। तो यार अभी टाइम है कमेंट हाईलाइट कर देने का। तो यार हमारे एक अमजद भाई कमेंट कर रहे थे कि यार आप हमारे लिए, आप मेरे परिंदों के लिए दुआ करें। तो यार अमजद भाई आपके परिंदे हमेशा सुखी सलामत बढ़ें और बढ़ते ही जाएं, आमीन। तो यार ये मेरी दुआ आपके परिंदों के लिए, आप भी यार हमारे सेटअप के लिए दुआ कीजिएगा, तो ताकि ये जो हमारे चूहे मरते जा रहे हैं दिन ब दिन, ये इनका मरना कम हो और हमारे सेटअप पर रौनक लगे इंशाल्लाह। यार इसमें वो चावल भी मिक्स कर देते हैं ताकि धीरे धीरे इनको आदत होती जाए इसकी। अब ये दाना ज़ाया तो नहीं कर सकते। अब सही हो गया ना, ये यहाँ पे रख देते हैं, पूरा कर दें पानी। यार कॉकटेल को तो मैं ऐसे ही देता हूँ पानी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।